डे 11। हेलो, गुड नो, नमस्ते एंड राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आपकी डाइट बहुत अच्छी चल रही होगी, आप हेल्दी खा रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, और आज संडे है तो आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये है कि क्या हमें वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन खानी चाहिए, और अगर खानी चाहिए तो वो कौन सी मेडिसिन है, क्या वेट लॉस मेडिसिन से हमारा वेट वाकई में ही कम हो जाता है, और अगर कम हो जाता है तो क्या कुछ दिनों बाद उसे बंद करने पर वेट गेन होता है या नहीं। सबसे पहली बात है कि वेट लॉस के लिए कोई भी मेडिसिन जो है आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी वो वेट रिडक्शन करेगी उतनी ही जल्दी गेन हो जाएगा। तो ऐसे सभी मेडिसिन से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। वेट रिडक्शन के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि आप विटामिन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, तो ये सब जो है विटामिन सी, ये सब टैबलेट जो है आपको हेल्प करेगी, लेकिन वेट रिडक्शन नहीं करेगी, सिर्फ आपको हेल्प करेगी। ये एक तरह के सप्लीमेंट है, ये लेना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो ये आप ले सकते हो। कोई भी मेडिसिन हो, जब तक आपका डॉक्टर सजेस्ट ना करे या न्यूट्रिशंस या डाइटिशियन, आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट आप लोग खा जरूर सकते हो, लेकिन वो भी आप बिना एडवाइस, बिना डॉक्टर या न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के एडवाइस के बिना वो भी बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कौन सी ब्रांड लेनी है, कौन सा लेना है, ये उनकी सलाह के अनुसार ही आप लीजिए। अभी कोई टॉपिक है तो आप मुझे DM कीजिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चनों का आंसर दूँ, और मुझे ऐसे ही देखती रहिए, मुझे लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरी वेट लॉस जर्नी में बने रहिए। तो कल मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल।